जी हम लोगों को वेट रिड्यूस करना है, ओबेसिटी है, तो हाउ टू कम आउट ऑफ दैट, हाउ टू रिड्यूस आवर वेट विद अ नेचुरल प्रोसेस। बहुत किस्मत वाले हम लोग और बहुत मज़ा आता है जब हमें इस तरह का लोकेशंस मिल जाए, स्पेशली ये केव्स जो है मेडिटेशन के लिए, साधना के लिए बहुत ही अच्छी जगह है, स्पेशली फॉर सॉलिट्यूड। दिस द बेस्ट प्लेस, दिस द वंडरफुल प्लेस। तपस्या वगैरह करना हो तो बेटर ऑलवेज ट्राई टू कम इन सॉलिट्यूड एंड एन्जॉय द ब्लेस ऑफ द प्लेस। खैर, आज यहाँ पे आने का मकसद कुछ और ही था। कई लोग का ये शिकायत है कि भाई हम लोग बहुत ही ओवरवेट है, हैं जी, हम लोगों को वेट रिड्यूस करना है, ओबेसिटी है, तो हाउ टू कम आउट ऑफ दैट, हाउ टू रिड्यूस आवर वेट विद अ नेचुरल प्रोसेस, एक नेचुरल तरीके से जो है जिसमें ज़्यादा एफर्ट्स भी ना हो और एकदम तरीके से हम लोग अपना वेट रिड्यूस करना चाहते हैं। तो है तो बहुत ही पुराना रेसिपी जो कई साल पहले भी मैंने यूज़ किया था, अभी अचानक वेट रिडक्शन बोलते ही मेरे को ये रेसिपी याद आ गया है। और ये रेसिपी मैं बताऊँ आपको बहुत कम मिलेगा आपको इंटरनेट पे, आपको ब्राउज़ करने से भी इतना आसानी से तो खैर मिलेगा नहीं मेरे ख्याल से। तो जो भी ये वेट ओवरवेट पे सफ़र कर रहे हैं एंड दोज वांट टू रिड्यूस देयर वेट, those who are suffering from obesity and all, definitely follow this recipe and you will get results with this. तो आइए अभी देखते हैं कि ये रेसिपी क्या है, practically we'll see this, okay? First thing, I've got a cup of water, दिख रहा होगा आपको ये। और ये पानी जो है ना ये सोलर चार्ज्ड है, सन चार्ज्ड वाटर है। तो ये सन चार्ज वाटर कैसे इसको चार्ज किया जाता है इसको दूसरा कोई और एपिसोड में हम लोग देखते हैं। तो राइट नाउ इतना समझ लीजिए कि ये सन चार्ज वाटर है। टेक सन चार्ज वाटर और टेक ऑरेंजेस। अब ये ऑरेंज को हम लोग काटते हैं इसको अच्छी तरह और इसका जूस पीते हैं। तो आपने ये करना है कि सुबह उठते ही सबसे पहले अभी जो जूस बनाएंगे उसको देख लीजिए और इस जूस को पीना है सुबह सुबह हम लोग उठते सबसे पहले, ओके। उसके बाद फर्दर फिर सेकेंड स्टेप क्या करना है, रेसिपी उसका कैसे बनाना है वो आपको बताऊंगा। यू विल बी वंडरिंग, आई टेल यू, कि जो हम लोग हर दिन इसका जूस बनाते हैं, ये ऑरेंज का जो जूस बनाते हैं हम लोग, जूस बनाने के बाद हम लोग क्या करते हैं, ये जो ऑरेंज का पील है ना, ऑरेंज का छिलका जो है इसको हम लोग जनरली फेंक देते हैं। तो आज आप ये रेसिपी देख लीजिए और ध्यान रखिए, आज से आपको ये ऑरेंज का पील फेंकना नहीं है। ये ऑरेंज का पील के साथ करना क्या है, आई लेट यू नो व्हाट टू डू विद दिस ऑरेंज पील्स। सो आफ्टर मेकिंग अ जूस फ्रॉम दिस ऑरेंज, जस्ट डोंट थ्रो अवे द ऑरेंज पील, ओके। सो टुडे वी'ल डिस्कस हाउ टू यूज दिस ऑरेंज पील एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ दिस ऑरेंज पील एंड हाउ टू मेक अ रेसिपी फॉर द ओबेसिटी, फॉर वेट रिडक्शन विद दिस ऑरेंज पील्स, ओके। सो जस्ट ऑब्जर्व हियर। सबसे पहले तो हम लोग संतरा ले रहे हैं और इसको काट लेते हैं। अभी तो सिर्फ जूस बना रहे हैं हम लोग इसका, संतरे का। इसके बाद है रेसिपी का, ओके जी। यहाँ से आपको क्लियरली दिख जाएगा, ठीक है जी। तो संतरे को काट लेना चार टुकड़े में, एज़ पर कन्वीनियंस, ज़रूरी नहीं है, बट मैं इसको चार टुकड़े में काट रहा हूँ। ओके जी, संतरे का टुकड़ा काट लिए आपने
और इसका छिलका जो है निकाल दे रहे हैं आप। ये देखिए छिलका निकल गया ना, तो इसको फेंकना नहीं है, इसको अभी आप रखिए अपने साथ, मैं बताऊंगा ये छिलके का करना क्या है। चलो जी, ये छिलका निकाल दिए अभी हम लोग, बताता हूँ इस छिलके को रखिए। अभी सबसे पहले तो अभी हम लोग जूस निकालते हैं, इसलिए बता रहा हूँ कि सुबह सबसे पहले आपको करना क्या है वो बता रहा हूँ। तो ये लो जी, ये सन चार्ज वाटर जो है इसको थोड़ा डाल दीजिए इसमें। ये एक बैटरी बैकअप वाला ग्राइंडर है जो आउटडोर्स में, जनरली जब मैं कैंपिंग्स वगैरह करता हूँ, इधर उधर जाते रहता हूँ घूमने फिरने, तब मैं ये बैकअप वाला यूज़ करता हूँ जूस के लिए। ठीक है जी, अभी इसको डाल लीजिए इसमें अपना ब्लेंडर, बैकअप वाला ब्लेंडर जो है। सुबह सुबह एम्प्टी स्टमक पीना है पहले, सबसे पहले ये जूस जो है ऑरेंज का, उसके बाद आप जो मर्जी खाइए पीजिए, और पहला ड्रिंक ये बना लीजिए आप। तो लो जी, ये जूस रेडी है अभी अपना। तो जूस ले लिए जी, अभी स्ट्रेनर से हम लोग इसको रेडी कर रहे हैं ताकि पल्प पूरा हटा दे, इसका फाइबर कंटेंट हट जाना चाहिए। वेन एवर यू कम आउट इन द नेचर, इस तरह का जैसे पल्प हो गया या छिलका हो गया या अपना पानी का बोतल वगैरह हो गया, प्लीज़ कैरी दम बैक विथ यू, अपना घर वगैरह ले जाइए या कहीं और ले जाइए जहाँ पे डंपिंग वगैरह करने का फैसिलिटी हो, लीटर फेंकने का डस्टबिन वगैरह अवेलेबल हो, वहाँ ले जाके फेंकिए। तो जैसे अभी देख रहे हम लोग ये जूस जो है बना दिए, दिख रहा होगा आपको ऑरेंज का, इस जूस का भी आनंद लीजिए नेचर में, आपको और क्या चाहिए। हाँ जी, तो आइए चलिए देखते हैं अभी रेसिपी कैसे बनाना है। तो हम लोग जो ऑरेंज का छिलका ले आ गए थे फ्रूट को काटने के बाद, तो एक कांच का ऐसे खाली जार लेना आप, ठीक है जी, खाली जार, उसमें ये जो छिलका है उसमें डाल दो, और उसके साथ क्लोव्स, लौंग जिसको बोलते हैं ना, छः टुकड़े, छः पीसेस अच्छे लौंग को भी उसमें डाल देना है आपको, और साथ में लीजिए इलायची, छः 6 नंबर्स ऑफ इलायची, ये भी थोड़ा अच्छा क्वालिटी का हो तो अच्छा रहेगा, उसको भी वो ग्लास जार में आप डाल दो, और सिनेमोन जिसको दालचीनी कहते हैं ना, हाँ जी, तो ये दालचीनी को भी आप इसमें डाल दो। तो ये ग्लास जार में हमने डाला है ऑरेंज के छिलके, इलायची, लौंग और दालचीनी, ये चारों चीज़ें हमने डाला है। अभी इसमें डालना है हमें 3 कप पानी का डालना है, ये हो गया जी 1 कप, ये हो गया जी 2 कप, एक और कप, ये हो गया जी 3 कप। तो इसमें हमने 3 कप पानी डाला हुआ है, और दिन में इसको 3 बार बनाना है, सॉरी 3 बार पीना है इसको हमने ऐसे बनाते हुए, और ये चाय बनने में, तैयार होने में कम से कम 3 घंटा टाइम लगेगा। अभी समय सुबह 7 बजा है, तो हर दिन आप ऐसे सुबह 7 बजे इसको धूप में लगा के छोड़ दो, शाम तक छोड़ दो,
पहला कप जो है 3 घंटे मतलब 10 बजे बन जाएगा, तो पहला कप जो है 10 बजे आप पी सकते हो। दूसरा कप जो है दोपहर को 2 और 3 के बीच में पी सकते हो, और तीसरा कप जो है शाम को 5 और 6 के बीच में पी सकते हो। तो अभी एक और चीज़ इसका ध्यान रखो आप, इसमें कोई भी डस्ट पार्टिकल्स ना जाए, तो उसके लिए ढक्कन ज़रूर लगाओ। मेरे पास 2 तरह के ढक्कन हैं, या तो इस तरह का ढक्कन लगा सकते हो आप इस पर, ये भी कांच का ही है, या फिर इस तरह का कोई बॉल है घर में तो इस तरह का भी ढक्कन लगा सकते हो। तो इसको ऐसे लगा के छोड़ दो, और ये जो है शाम तक 3 कप जैसे बनता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। इसको लंबा समय तक निकाल के रात को रख के सुबह अगले दिन पीना वो सब मत करना, आप सेम डे ही 3 कप आपने पीना है। और दूसरी बात है, ये फ्रेश छिलका हमने ऑरेंज का पील्स डाला हुआ है इसमें, क्योंकि अभी तो यही अवेलेबल था अपने पास। और आप इसको एक काम भी और भी कर सकते हो कि ऑरेंज का छिलका जितना आप घर में निकालते रहते हो उसको सूखा के भी इसको यूज़ कर सकते हो। तो सूखा हुआ जो छिलके हैं उसको आप स्टॉकअप भी कर सकते हो, और वो जो छिलका सूखा हुआ आपने स्टॉकअप किया है वो 1.5 से 2 साल तक आप एयर टाइट डिब्बे में आप उसको स्टॉकअप कर सकते हो। तो इंस्टेड ऑफ ये फ्रेश छिलका जो है, सूखा हुआ पील्स जो है, सूखा हुआ छिलके भी आप इसको यूज़ कर सकते हो, ठीक है जी। तो ऐसे कंज्यूम करना आप हर दिन, और लगातार 3 दिन डेली आप पियेंगे, 1 महीने के अंदर आप देखेंगे आपका वेट रिड्यूस होना जो है शुरू हो जाएगा। जी तो अभी आपने देखा होगा कि सुबह से जो लगाया हुआ हमने पानी, अभी ये चाय बन गया है एंड नाउ इट्स रेडी टू ड्रिंक। तो चलिए मज़े लेते हैं, इसका आनंद लेते हैं पीने का। अपना कप रेडी कीजिए, ऐसे 3 बार पीते रहिए आप इसको जी, और इसको छान लीजिए आप, छाना हुआ पी सकते हैं। ये देखिए अभी मैं पानी ज़्यादा होने के कारण छानने का ज़रूरत नहीं है। और आपने देखा होगा दोनों में रंग का भी फ़र्क आ रहा है, जो सुबह से चार्ज हुआ ये देखिए, ये सुबह से जो चार्ज किया हमने ये इस तरह का रंग में आ जाएगा, और ये है नॉर्मल वाटर आपने जो देखा है, ठीक है जी। तो नाउ इट्स रेडी टू ड्रिंक, अभी आप ये चाय को पी सकते हैं। चलिए तो अभी आपने देख लिया है कि ये रेसिपी कैसे बनाना है, ठीक इसी तरीके से बनाओ, पर कुछ चीज़ें का ध्यान भी रखो आप। जब ये बॉटल में डालते हो, रेसिपी बनाते हो, उसका लिड जो है, ढक्कन जो है, प्लास्टिक का ना हो, प्लास्टिक का ना हो, और ये मेटल का ना हो, कांच का लिड डाल सकते हो आप, ठीक है जी। और देखिए इसका ध्यान रखिए कि वो एयर टाइट ना हो, हवा उसमें जाना चाहिए। अगर एयर टाइट आप उसको कर देते हैं तो हो सकता है कि वो फर्मेंट हो जाए, और वो इट्स नॉट एट ऑल रिकमेंडेड, वो हम लोग रिकमेंड नहीं करते हैं। तो लूज सा ढक्कन हो, ठीक है जी। और भले आपको अच्छा लगे ना लगे, अगर वेट रिड्यूस, थोड़ा बहुत कड़वापन तो होता है, वेट रिडक्शन करना है तो ये ड्रिंक ले लीजिए, और दिन में 3 कप्स लेना है आपको, 3 बार ले लीजिए ये जो है। 3 बार लेंगे तो ये आई एम श्योर कि within 1 month जो है आपका वेट रिडक्शन आपको दिख जाएगा, यू विल गेट द रिज़ल्ट, फैंटास्टिक रिजल्ट्स। काफ़ी लोग ये यूज़ कर रहे हैं ऑलरेडी, ये टी जो है, इसको ओबेसिटी टी बोलते हैं, और इस टी को क्या बोलते हैं इन मार्केट आई डोंट नो। चलिए हम लोग इसका नाम शिवासन टी रख ही देते हैं, ठीक है जी। एंड आपको वो कड़वापन पसंद ना आए अगर, तो यू कैन ऐड स्वीटनर इन दैट, कुछ भी मीठा आप उसको ऐड कर सकते हैं, बट डोंट ऐड शुगर, प्लीज़ डोंट ऐड शुगर इन दैट। या तो आप डेट का सिरप, खजूर का जूस जो निकाल के वो डेट सिरप डाल सकते हैं आप उसमें मिठास के लिए, या गुड़ जागरी जो होता है, यू कैन यूज़ दैट जागरी ऑल्सो टू स्वीटन अप द टेस्ट। तो इस तरह मीठा बना सकते हैं आप उसको, और उसको एंजॉय कीजिए। दिन में 3 ड्रिंक्स अगर लेते हैं, 3 कप 3 बार लेते हैं, सुबह शाम एंड दोपहर को, ठीक है जी, 3 बार लीजिए, आपको वेट रिडक्शन का रिज़ल्ट जो है 1 ही महीने में दिख जाएगा। और आगे और कंटिन्यू करते रहिए जब तक आपका वेट रिड्यूस ना हो,
ये एकदम नेचुरल तरीके का वेट रिडक्शन मैंने बताया।